के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में भाजपा नेताओं समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इनमें गोंडा से BJP सांसद निशिकांत दुबे, उनके दो बेटे सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। FIR देवघर एयरपोर्ट पर तैनात DSP सुमन अमन ने जिले के कुंडा थाना में दर्ज शिकायत पर कराई है। DSP सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोंडा के सांसद, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट के TC में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। DSP ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वह ATC कंट्रोल रूम पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ठिंगरा और चार्टर प्लेन के पायलट पहले से मौजूद थे। उस समय चार्टर प्लेन के पायलट ने ATC स्टाफ पर दबाव डाला। कुछ ही देर बाद सांसद और उनके दोनों बेटे भी वहां पहुंच गए। DSP ने लिखा कि दबाव से उन्हें क्लियरेंस मिल भी गया। पायलट और बाकी लोग थोड़ी देर में देवघर एयरपोर्ट से निकल गए। DSP अमन ने कंप्लेन में लिखा है कि इन चीज़ों को देखते हुए यह साफ है कि एयरपोर्ट ऑपरेशन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया है। इन लोगों ने ATC में जबरन एंट्री की। DSP ने CCTV का भी हवाला दिया है जिसमें 31 अगस्त को घटना के समय मुकेश पाठक, देवता पांडे और पिंटू तिवारी पर भी ATC बिल्डिंग में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर घुसने का आरोप है। इस मामले में गोंडा सांसद निशिकांत ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतने बौखला गए कि पेट सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफ की लड़ाई केस मुकदमे से बंद नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें 31 अगस्त को सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा देवघर से दुमका गए थे। ये सभी दुमका में पेट्रोल अटैक में मारी गई नाबालिग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में ही रहने वाले तारिक हुसैन ने घर में ही पेट्रोल डालकर जला दिया था। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।